Okay, good evening all. In the last class, we have completed up to the difference between the resistance and the resistivity. And then we make a note point that both resistance as well as resistivity both vary with the change in temperature. Okay, so then in today's session, we will solve some numericals. That is the lecture number 05, 20th. June 20. Okay, so if you have your NCERT with you, on page number 207, you can see this formula that we have concluded in the last class, that resistance is equals to rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length of the conductor, and area A is the area of cross section. Okay, so that we have already completed in the last class. Now, the SI unit of resistivity is ohm meter. This you have to remember that we have already done, and it is the characteristic property of the material. There are some materials such as metals and alloys. What is the difference between metal and alloy, anyone? There are alloys. Yes, alloys are. Alloys are combinations of two or more metals. Okay. While the metals are the pure forms. Yes. So alloy are those components, or we can say those materials which are made up of more than two metals or non-metals. Zaruri nahi hai metals hi ho. Non-metals ka bhi mixture ho sakta hai. To ye mixture hota hai. Alloys jo hota hai, they are the mixtures. Ye aap chemistry ke andar padhoge. Alloys are the mixture of two or more metals or non-metals. ठीक है, तो यहाँ पे अपन resistivity की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखो, एक line लिखी हुई, the metals and the alloys have very low resistivity in the range of 10⁻⁸ ohm to 10⁻⁶ ohm. इसका क्या meaning है? They have very low resistivity. The metals and the alloys. क्योंकि metals क्या चाहते हैं कि electrons का flow हो, such that there is a good conductor of electricity. Therefore, the resistivity should be very small. तो देखो कितनी कम है, 10⁻⁸ और 10⁻⁶ ohm meter के बीच में lies करती है. वहीं अपन बात करें insulators की, there are good conduct. ये जो थे, these are good conductor. यानी जिसकी resistivity कम है. जिनकी रेजिस्टिविटी कम है वो क्या है मेरे, गुड कंडक्टर्स. बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या है आपका, रेजिस्ट करती है फ्लो के चार्ज को, तो जितना कम होगा उतना ज्यादा कंडक्टर होगा. एंड इंसुलेटर्स जैसे कि रबर और ग्लास, उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा है, 10⁻¹২ से लेकर 10⁻¹⁷ ohm. देखो कितनी ज्यादा है. तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑल्सो वी कैन डिफाइन गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो बोथ द रेजिस्टेंस, ये अपन ने कल पॉइंट कवर कर लिया था, बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर. नाउ दिस टेबल रिवील्स दैट रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल की. जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे अलॉयज दे रखे हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है. निक्रोम की बात करते हैं, निक्रोम सबसे ज्यादा यूज अलाउड है. निक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. तो निकल की अगर अपन बात करें तो निकल की देखो रेजिस्टिविटी कितनी है, 6.84 × 10⁻⁸. बट निक्रोम की बात करें तो कितनी है, 100 × 10⁻⁶, जो कि हो गई 10⁻⁴ ohm मीटर. और निकल की कितनी थी, 6.84 × 10⁻⁶. तो देखो उनके जो अलॉय है उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है. यही रीजन है कि ये जो आपके अलॉयज होते हैं ये यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में. जैसे आपके जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है घरों में, जो अपन प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, टोस्टर हुआ,
ये सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है जिसके अंदर अपन हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी अपन को ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो अपन हीटिंग इफेक्ट में डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज दैट पॉइंट? अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हायर टेम्परेचर। दिस इज द ओनली रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज अलॉयज इंस्टेड ऑफ मेटल्स, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे दो टाइप की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट हायर टेम्परेचर। जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो चाहे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो या टोस्टर हो, वो क्या होते ले? हीटअप होने लग जाता है ना। तो हीटअप वो हीटिंग प्रोसेस ही तो अपन को रिक्वायरमेंट है। देम आर मेन पर्पज इज टू हीट दी इलेक्ट्रिक आयरन ताकि अपने कपड़े प्रेस हो, और टोस्टर में आपको अपन को ब्रेड को टोस्ट करना है, तो जब तक वो आयरन कॉइल जो इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर जो कॉइल्स है वो हीटअप नहीं होगी जब तक आपका ब्रेड टोस्ट नहीं होगा, तो वहां पे अपन को क्या करना है, टेम्परेचर को राइज करना है। तो अगर मान लो अपन एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि वी आर नॉट अज्यूम टेकिंग अलॉय एज द मटेरियल, तो क्या होगा, मेटल्स अगर अपन ने यूज कर दिए तो हो सकता है मेटल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है कि मेटल आपका क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वाई वी आर यूजिंग अलॉयज। सिमिलरली इन योर बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं अपने जो आपके घरों में यूज किया, आजकल तो बहुत कम यूज होने लगे लेकिन पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे, जो आपके येलो कलर के बल्ब जो आते हैं वो टंगस्टन यूज होता है एज अ फिलामेंट उसके अंदर। क्यों टंगस्टन यूज होता है? बिकॉज टंगस्टन आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो वो जल्दी से हीटअप हो जाता है और लाइट को एमिट करता है। बट अगर उसकी जगह अपन कोई दूसरा मटेरियल यूज करे जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम है, तो वो इतना ज्यादा आपके हीटअप बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग, सॉरी वो बहुत देर से हीटअप होता है और वो अपन को वहां पे चाहिए नहीं है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, वेयर एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। सो दीज आर सम थियोरेटिकल क्वेश्चंस व्हिच मे कम इन योर एग्जाम, 1 marks और 2 marks, हाउ टंगस्टन इज यूज्ड एंड वेयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। नाउ इफ वी सी दिस टेबल 12.2, लुक, it is given at 20 degree centigrade. This table is given at 20 degree centigrade. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कल अपन ने बात की थी resistivity हो चाहे resistance हो, temperature के साथ आपका वो change होता है। तो यहाँ पे ये जो सारी values है, these all values are at 20 degree centigrade. तो अगर आपने temperature ये 20 degree centigrade temperature change किया है, तो फिर ये values जो table में given है, ये भी change हो जाएगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं और यही वैल्यूज अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स। याद रखने की जरूरत नहीं, आइदर इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन और इट मे बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टर्स में अगर अपन देखें तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है यहाँ पे? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे लोवेस्ट है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी डू नॉट यूज सिल्वर एज आर कनेक्टिंग वायर्स? अगर सिल्वर की, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज़ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज़ इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यस प्रियांशु, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। चांदी के भाव देखे आजकल क्या है, सोना और चांदी। तो वी कैन नॉट एफोर्ड मेकिंग आर इलेक्ट्रिकल लाइंस मेड अप ऑफ सिल्वर। ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर एज आर कनेक्टिंग वायर मटेरियल, वेयर एज वी कैन यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी थोड़ा कॉस्टली होता है और इतना अबंडेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, वेयर एज कॉपर कैन इजिली बी फाइंड आउट एंड इट विल बी इजी टू मेलिएबल का मतलब होता है इट कैन बी इजिली ड्रॉन इन टू थिन वायर्स, शेप ऑफ वायर्स, क्योंकि जमीन के अंदर वायर के फॉर्म में नहीं निकलता है, कॉपर निकलता है एक बहुत बड़े पत्थर के फॉर्म में, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी क्रस्ट होती है। दैट विल ऑल्सो यू विल स्टडी इन योर केमिस्ट्री,
ठीक है, तो कॉपर के मटेरियल को अपन इजीली मैलिएबल कर सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड वायर्स. सो दिस इज व्हाई वी यूज कॉपर एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मेकिंग कंडक्टिंग वायर्स. बाकी ये अलॉयज और इंसुलेटर्स तो आपको पता ही है, देखो कितनी है, 10^12, 10^14, तो ये सारी वैल्यूज आपकी रहती है इसके अंदर, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है, इनकी रेंज रहती है 10^10 से लेकर 10^14 तक. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स गिवन इन योर बुक. If you have your book with you, you can see the example on page number 208, I think. Read this question and try to solve. Page number 208, yes. This is an example given on page number 208, example 12.3. What is the question? How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? देखो question को attempt करते हुए read the question very carefully. जैसे question पढ़ रहे हो, जहाँ जहाँ आपको values given है उनको आप solution के अंदर या answer के अंदर note down कर लो. तो potential difference की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 220 volt, and if the resistance of the bulb is 1200 ohm, यानी मुझे resistance भी given है कितना 1200 ohm. पूछा क्या है, हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ. तो करंट का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, एक ही है फॉर्मूला, कौन सा, ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर. तो यहां से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर, क्योंकि मुझे आई कैलकुलेट करना है. सो आई विल बी वी 220 और आर इज 1200, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 11/60 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.18 एम्पियर. सो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन के लिए अपन यहां पर रुकेंगे नहीं. ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दी ए पार्ट. ये तो ए पार्ट था, अब बी पार्ट देखो, क्वेश्चन में बी पार्ट भी गिवन है. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, अब मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है 220 volt, और रेजिस्टेंस इस बार हो गया मेरे पास 100 ohm. तो I will be 220 divided by 100. Which is equals to 2.2 ampere. Easy hai. Any problem in this question? No, I want a thumbs up if it is clear to you. Okay. So next question on the same page. Example 12.4. Read the question. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. So just write down, it is how much? Potential difference is 60 volt. When it draws a current, current is also given as 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential differences increase to? So this is my first potential difference, and second potential difference is increased to now 120 volt, and the question is asking for the current. Aisa question ek kiya tha apan ne previously. Ek to method hai jo aapki book mein de rakha hai. Ek short method se bhi kar sakte hai apan is question ko. Can anyone tell in how to solve this question without using pen and paper? दिमाग में कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर 8 एम्पियर डबल हो गई वैल्यू. वेरी गुड. देखो मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, जब मैंने बताया था अगर रेजिस्टेंस वायर का चेंज नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में कैसे रिलेशन है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक बढ़ रहा है, जितने रेट से एक बढ़ेगा उतनी ही रेट से दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, बिकॉज ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे देखो ये 60 वोल्ट है और यहाँ से ये कितना हो गया 120 वोल्ट, यानी जस्ट डबल वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, यानी कि 8 एम्पीयर। क्योंकि ये कितना हो रहा है इंटू 2 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया आपका 8 एम्पीयर। ये तो था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन एग्जाम में ऐसे करके मत आ जाना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करके आ सकते आप। बोर्ड एग्जाम में अगर ये मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तब कैसे करोगे, तब आपको पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना है एंड देन यू हैव टू यूज दी ओम्स लॉ जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, कुछ नहीं करना है। सेकंड मेथड क्या है, दूसरा मेथड है, पहले इंफॉर्मेशन जो गिवन है अपन को 60 वोल्ट और 4 एम्पियर से, इससे अपन क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस, V अपॉन I को दोनों तरफ वो वैसे कंपेयर करके भी आंसर ये आ जाएगा। वैसे करने के लिए पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि एक लाइन वहां पे लिखनी पड़ेगी, एज रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, फिर आप ये लिख सकते हो। तो अदरवाइज ये फॉलो करना है, V इक्वल्स टू आई आर, देन आर विल बी वी बाय आई एंड वी 60 I 4, सो R की वैल्यू आ गई अपने पास ये 60 by 4 ओम, 15, then if V is 120, R is 60 by 4, therefore I will be equals to V by R, V is 120, R is 60 divided by 4, तो 4 ऊपर चला जाए, तो ये हो गया 2, यानी I हो गया 4 into that is 8 ampere, ये समझ में आया सभी को? Yes sir. दिव्यांशु, रुचि, यस सर, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5, रीड द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree centigrade. What are the information given to us? Ek to mujhe kya given hai? Length given hai 1 meter. Theek hai? Resistance kitna hai? 26 ohm. Aur temperature kis temperature pe hai? 20 degree centigrade. Now the next line. If the diameter of the wire is 0.3 mm. Diameter kitna given hai? 0.3 mm. What will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity पूछा है, यानी कि rho आपको calculate करना है। तो अपन ने last class में देखा था R equals to rho L by A, ये formula था। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है यहाँ से? Rho. Rho निकालना है। तो rho का formula पहले अलग से लिखी दो। तो rho will be equals to R A by L. Can I write like this? Yes, sir. Yes. So, rho R की वैल्यू कितनी है? 26. A कितना है? पहले A निकालो यहाँ पे. ये तो मुझे डायमीटर दे रखा है. तो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? Pi R square. Pi R. Area square. Very good. Pi R square. और R की वैल्यू क्या होगी? 0.3. That is the diameter. R is the radius. 0.3 upon 2. Very good. 0.3 upon 2. और ये किसके अंदर है? Millimeter. This value is in millimeter and length is given in meter. Meter. और SI unit क्या होती है length की? Meter. Meter. तो पहले अपन इस radius को क्या करेंगे? Millimeter से. Meter में convert. मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा ये मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर इज 10^-4, हाउ मच? -4. वेरी गुड, तो इसको क्या करेंगे, 10^-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको याद रखना है 1 mm जो होता है दैट इज 10^-4 मीटर के बराबर होता है। तो ये अपना कन्वर्ट हो गया रेडियस। नाउ
इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाय 7 और 3.14, दोनों लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू 22 बाय 7 और 3.14, याद होनी चाहिए पाई की वैल्यू, ठीक है। रेडियस जो आया आपके पास 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एरिया, सो 22 बाय 7 इंटू 0.,  ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो 3 बाय 2 That is 9 by 4 into 10 power minus 10. Can I write like this? Yes. 9 by 4 into 10 raised to power minus 10. Square कर दिया मैंने, bracket open कर दिया square का. ठीक है? Now put the value and just you have to calculate because length की value तो क्या है? 1 ही है. तो इसमें कोई effect आएगा नहीं. 22 by 7 into 9 by 4 into 10 raised to power minus 10. दिस इज द वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं बिकॉज लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी 1 मीटर है क्वेश्चन में गिवन है। तो इसी फ्रैक्शन को आपको कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेटली जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू अराउंड 1.84 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओम मीटर। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर, अभी देख लेते हैं आपके पास, यहाँ पे मेरे पास है कैलसी, क्या करना है 26 इंटू 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो कितना आ रहा है ये 183.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 आ रहा है। एक सेकेंड, इसमें ये 10 रेज टू पावर माइनस 8 होगा, यहाँ पे माइनस 6 नहीं होगा, सर ये रेडियस के स्क्वायर में ये 5 का स्क्वायर तो माइनस 25, 5 का स्क्वायर नहीं सर, ये यहाँ पे क्या किया 22 अपॉन 7 इनटू 3 वाला, डायमीटर इज 0.3 mm ना, यस सर। वो 10 रेज टू पावर माइनस 4 का तो 10 रेज टू पावर माइनस 10 होगा ना, राइट? 10 रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर कराना, तो आपने 10 रेज टू पावर माइनस 10 क्यों लिखा? नहीं ये पॉइंट, ये 3 हटाया ना, ये पॉइंट 3 पॉइंट 1 पॉइंट हटाया, तो पॉइंट 3 वाले कैरेक्टर से कटा, नहीं कटा नहीं है, ये 2 था ना यहाँ पे, हियर इट इज 2, ये था पॉइंट 3 और यहाँ पे था ये 4, तो 6 आएगा ना फिर, ये 4 था तो एक 10 मतलब एक 10 से 10 कट जाएगा तो फिर 6 ही आएगा ना वापस आंसर में, तो 10 रेज टू माइनस 6 आ जाएगा कहाँ पे? देखो ये फ्रैक्शन क्या है 0.3 बाय 2 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, ये तो सही है, हाँ इस ये हटा यहाँ पे तो नीचे डेसिमल 10 आ गया, हाँ अब तो ये ऊपर से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ना बेटा, कैंसिल कैसे हो जाएगा, ओके ओके माइनस होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर माइनस
माइनस फाइव होगा, दैट विल बी 22/7 इंटू 0.3 सॉरी इंटू 3/2 इंटू 10^-5 का स्क्वायर होगा ना ये, एक सेकेंड कैलसी एक बार वापस चेक करते हैं, 22 इंटू 9 22 इंटू 9 इंटू 26 दिस इज 5148, सो 5148 इज द आंसर, 5148 डिवाइडेड बाय 7, 735 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 183.85 इंटू 10^-10, आंसर तो यही आ रहा है सर, अप्रोक्स ले लिया। ये यही रहेगा, 10^-6 नहीं होगा, ये 10^-8 होगा कहीं ना कहीं। अरे पॉइंट्स यहाँ से हटाए नहीं ना, इधर 1 पॉइंट कर दिया इसलिए 6 है, अगर 0.184 पॉइंट कटे तो वहां पे 8 होता ना, तो वही तो कह रहा हूँ, इसको अगर मैं 1.83 लिखता हूँ तो ये होगा 10^-8 होगा ना, 2 पॉइंट आगे किया तो 2 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाएंगे ना, आंसर ये माइनस सिक्स में नहीं आएगा, आई एम सेइंग दिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 10^-6 नहीं होगा, बुक में गलत है, 10^-8 ओम मीटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है, दे रखा है, और ये 0.10^-, ये mm में है ना, तो ये हो गया 100, तो हो गया आपका सेंटीमीटर, और ये हो गया 10 mm में, और 0.3 है, 10^10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ये 1000, और मिलीमीटर में करना है तो ये 10^-4, सॉरी ये गलत बताया ना आपने, 10^-3 होगा ना, -4 छोड़ना होगा, कन्वर्जन गलत किया आपने, 1 mm इज इक्वल टू 10^-3 नॉट 10^-4, बुक में 3×10^-4 दे रखा है, वो 3 इसने पॉइंट हटा दिया है उसके बाद लिखा है, बट 1 mm इज इक्वल टू दिस होता है, नॉट 10^-4, इसलिए गलत आ रहा है अपना आंसर, सो दिस इज 10^-3, और यहाँ पे ये -3, यहाँ पे ये हटेगा तो यहाँ पे आएगा -4, -8 यहाँ आएगा -8, और फिर आपका ये आ जाएगा आंसर, यहाँ पे -8, ये यहाँ पे होगा -8, डेट ये -8 होगा, और ये यहाँ पे -8 होगा, और फिर ये -6 होगा, तो यू हैव टू रिमेम्बर 1 mm इज 10^-3 mm, 3 meter सॉरी, वो 0.3×10^-3 था, तो इसने फिर 3×10^-4 मीटर कर दिया, बुक के अंदर डायमीटर जो गिवन है,
बुक में ये कर रखा है, अपन ने पहले रेडियस में कन्वर्ट करके फिर किया। आई होप ये समझ में आया है सभी को। यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ये कन्वर्जन में, यही गलती आप बच्चों से भी होती है एग्जाम के अंदर। तो आपने कहा माइनस फोर होता है तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट अब याद रखना है 1 mm इज 10^-3 meter। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन। इज दिस क्वेश्चन गिवन इन योर बुक? नो। This question is not given in your book. Okay, I got it. But the question is like this. If you have your NCERT book, the question is 12.6. A wire of given material have length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material? Same material having length is L by 2 and area of cross section is 2A. The new resistance will be, that is the question. Very interesting question. क्या question है कि मेरे पास एक wire है जिसकी length L है, let us say ये मेरे पास एक wire है इसकी length अभी L है, ठीक है, and area of cross section कितना है? This is length L and area of cross section is A. और इसका रेजिस्टेंस मुझे गिवन है कितना है? 4 ओम। नाउ मैंने क्या किया, इसको लेंथ का हाफ कर दिया है, आई हैव जस्ट हाफ, इसकी हाफ लेंथ कहाँ होगी? यहाँ पे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट डबल कर दिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डबल कर दिया मैंने, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, और लेंथ मैंने क्या कर दी है? हाफ कर दिए, तो दिस इज 2A एंड दिस इज L by 2। सेम मटेरियल है, यानी अगर ये मेरे ऑरेंज कोई कलर है मान लेते हैं, ये किसी मटेरियल का है, तो ये भी उसी मटेरियल का बना, और इसका रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे करेंगे? मटेरियल सेम है, इसका एक सेंस क्या है सिंपल सा, कि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। अगर ये ऑरेंज कलर का मान लो कॉपर वायर है तो दूसरा भी कॉपर वायर, तो अगर मैं सिंपल सा बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, और ये आर की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे आर की जगह मैं लिख देता हूँ 4, तो 4 किसके बराबर हो गया? फर्स्ट इक्वेशन रो एल अपॉन ए। आर डैश का फॉर्मूला क्या होगा? रो इंटू एल बाय टू अपॉन ए इंटू टू, ये हो जाएगा आर डैश, यानी नया रेजिस्टेंस। यस और नो? यस। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ आर डैश, तो ये हो गया रो एल अपॉन टू इंटू टू ए, दैट इज रो एल अपॉन 4A। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट, रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? रो एल अपॉन ए किसके बराबर है? 4 के। तो यहां से ये रो एल अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डैश विल बी इक्वल टू 4/4, दैट गेट कैंसिल आउट एंड गेट द वैल्यू 1। तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4। ये समझ में आया सभी को? Yes or no? I want thumbs up अगर समझ में आया है तो। तो नया रेजिस्टेंस, यानी ये जो डबल दी एयर रेजिस्टेंस, डबल दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ohm हो जाएगी। प्रियांशु, दिव्यांशु, रुचि, yes sir. Okay. Now, on the next page, or sorry, on the below of that question example, exercise in text question is given to you.
लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, ऑन व्हिच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? हु विल टेल द आंसर फास्ट? टेम्परेचर, लेंथ, एरिया. नो, नॉट टेम्परेचर. टेम्परेचर है बट जो मेन पॉइंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ. यस, टेम्परेचर इज देयर. सो यू कैन राइट द फोर फैक्टर्स. फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द नेक्स्ट इज मटेरियल दैट इज द रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर. कैसे डिपेंड करते हैं वो भी आपको लिखना है, जो अपन पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. ये जो सारे फैक्टर्स लिखे थे अपन ने, ये इसमें फोर्थ पॉइंट ऐड कर देना. फोर्थ पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा इसके अंदर? टेम्परेचर. तो इस तरीके से लिखना है आपको. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Resistance also depends upon the nature of material and the temperature. कैसे temperature पे? Resistance also directly proportional to temperature. Is that clear? Yes, sir. So the first question we have already done in the previous class, so we will not write it again. Okay, now the second question. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when conductor connected to the same source? And explain why. Sir, from thick wire. Because its area of cross section is more. You have to write answer in this manner. In thick wire. Because it has wider cross sectional area and thus less resistance and therefore more current for same source. Is that clear? Now the third question. Let the resistance of an electrical component remains constant. What is constant now? Resistance is constant while the potential difference across the two ends of the component decreases. Potential difference across the two component is decreasing to half of its former value. What change will occur in the current through it? Easy hai. If resistance is constant, R is constant, then V is directly proportional to I. If V is getting dropped to V by 2, then I will also drop to I by 2. So answer will be the current will also get half. Is that clear? Yes, sir. Now the fourth question. Why are the coils of electric toaster and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? ये अपन ने अभी डिस्कस किया था. क्या है इसका आंसर दिव्यांशु? आंसर फोर्थ. मैं आंसर करूं? एक सेकंड दिव्यांशु. सर, because it heat, because its heating effect is more than a pure metal. Not heating effect, it is something else. It resists heat, it resists electricity more than pure metal. Not resist oxidation. Bataya to tha maine, they do not get oxidized at even higher temperature as compared to your pure metals. Abhi discuss kiya tha na ye. ये लिखा है, yeah, high melting point is high. ये लिखना है, alloys do not oxidize readily at higher temperature. That is the reason they are commonly used as heating devices like this, because they have high melting point. Is that clear?
सो द आंसर विल बी, यू हैव टू राइट दिस आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार आ चुका है. The coil of electric toaster and electric irons made up of alloy rather than a pure metal because they do not oxidize at higher temperature and they also have high melting point. That is the reason why pure metal is not used. Is that clear? Yes, sir. Divyanshu, your answer is wrong. It is not a good alloy, are not good conductor if we compare it with the metals. Metals are more good conductor as compared to alloy. Alloy ज़्यादा अच्छे conductor नहीं होते हैं metal से. Metals ज़्यादा अच्छे conductor होते हैं. तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की बात करनी है तो आपको ये दो पॉइंट लिखने होंगे, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग. टेबल 12.2 आपके बुक में है, बुक खोल लो. वही जो अपन डिस्कस कर रहे थे, कंडक्टर अलॉय इंसुलेटर. विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर. आयरन और मर्करी है, आयरन आयरन. तो आयरन कहाँ पे आपका, ये रहा आयरन, और मरकरी कहाँ है यहाँ पे. तो आयरन देखो क्या है, इसकी कम है रेजिस्टिविटी, तो आयरन क्या हो जाएगा, आयरन की बेटर कंडक्टर. बेटर कंडक्टर. रो ऑफ आयरन इज लेस देन रो ऑफ मरकरी Hg, यानी मरकरी. देयरफॉर आयरन इज द बेटर कंडक्टर. विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर. सिल्वर. वेरी गुड. सिल्वर की बात की थी अपन ने. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वाज गिवन ऑन योर पेज नंबर 208. एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? आई डोंट हैव. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यहां तक सब कुछ क्लियर है? देखो अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो सारा यूज आएगा आगे. What we have studied so far, what is, have a quick recap and the conclusion, what you have to remember till now. सबसे पहले formula I equals to Q by T, where I is the electric current, Q is the electric charge, T is the time. I की unit क्या है, ampere. T की क्या है, coulomb. Coulomb. इसकी क्या है, ampere. ठीक है. Next, Q equals to N E, where E is the 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. E is the charge of one electron, where N is the number of electron and charge is the electric charge. Q is the electric charge. Third formula आपने क्या देखा? Potential difference is equals to work done upon charge. V is the potential difference. WD is the work done. Q is the coulomb. वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल. जूल इसकी बताई दी. और ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, ये याद रखना है सबकी यूनिट. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने इसके बाद? ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर. ओम्स लॉ, आई इज द एम्पियर, V volt, potential difference, R is the ohm, ohm resistance. ठीक है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखा अपन ने? R equals to rho L by A upon A, where rho is the resistivity, L is the length of conductor and A is the area of cross section. अब देखो एग्जाम में अगर, हालांकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है,
मेनली अगर वायर लिखा हुआ है तो अपन अज्यूम करेंगे वो सिलेंड्रिकल वायर है, लेकिन मान लो आपसे दे दिया जाए अ वायर हैविंग अ फेस ऑफ अ स्क्वायर, इस टाइप का दे दिया अगर आपके पास वायर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है बट आ भी सकता है, ठीक है, इस टाइप का वायर दे दिया स्क्वायर शेप का वायर, तो वहां पे एरिया फिर इसका तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा लेट अस से इसकी साइड गिवन है ए स्क्वायर है, ए साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये याद रखना, ये ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो बच्चों को यही याद होता है तो वो यही लगा के आ जाते हैं, वो डायग्राम नहीं देगा, वो सिंपल सा एक सेंटेंस लिखेगा अ क्यूबिकल और अ क्यूबॉइड शेप वायर हैविंग साइड दिस सेंटीमीटर हैविंग लेंथ दिस फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एंड फाइंड आउट द करंट, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करके दो, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, लेंथ शुड बी इन मीटर एंड एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर, अगर mm में सेंटीमीटर अदर यूनिट्स में है तो वो आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये समझ में आया सबको, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्लास में अपन इम्पोर्टेंट क्लास है, नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसके अंदर अपन देखेंगे व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ कनेक्शन दैट वी विल डू इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है सर, कल क्लास है क्या, कल नहीं, हाँ सॉरी कल क्लास नहीं है, यू विल गेट अ वर्कशीट टू सॉल्व ऑन संडे मोस्ट प्रोबेबली इन द आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको वर्कशीट मिल जाएगी, जहां तक अभी तक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड वर्कशीट मैं देने वाला हूँ, तो आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक डेफिनेटली मिल जाएगी आपको, तो वो सॉल्व करनी है, मंडे को वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, नो सर, नो, ओके फाइन, सो मिलते हैं फिर मंडे को, और वर्कशीट सबको सॉल्व करनी है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे वो सारी वर्कशीट और आंसर्स मैं पहले पूछूंगा क्लास में, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डिंग्स डेली अपलोड हो रहे हैं ग्रुप पे, प्लीज फॉलो इट, उसको सेव करके रखना क्योंकि अभी तो समझ में आ रहा है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको सेव करके रखना है ताकि आपके फ्यूचर में भी आप उसके अंदर नोट्स ऐड कर सको, तो पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन रेफर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी हैव अ ग्रुप अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट वी हैव अ गुड कॉम्पिटिशन ऑल्सो, ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, enjoy, thank you, you can leave now, bye, thank you sir.